हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नए साल की शुरुआत नए इंटरव्यू से करते हैं। अब मैं एक ऐसे स्टाफ का इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ जिनका अभी पॉइंट्समैन पोस्ट में थे कुछ सालों से, और अभी इन्होंने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करके पॉइंट्समैन से ट्रेन मैनेजर, रेलवे ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर के पद पर प्रमोट होने वाले हैं, ज्वाइनिंग आने वाला है इनका। तो सर से पूरी जानकारी लेंगे, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सर, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका गुड नेम, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम गजेंद्र सिंह गढ़वाल है जी सर, और मैं डोंगरगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, और वर्तमान में अभी मैं पॉइंट्समैन पे राजनांदगांव में पदस्थ हूँ मैं। जी जी। और सर, आपकी कैटेगरी क्या है? मेरी जनरल कैटेगरी क्या है? जनरल कैटेगरी से जी। तो सर, आप अपना पूरा बताएंगे सर, कि आपका जर्नी बताएंगे कि आपका ज्वाइनिंग कब हुई थी रेलवे में? मेरे रेलवे में ग्रुप डी में जून 2015 का मेरा ज्वाइनिंग है जी, और मैं नागपुर डिवीजन में पहले था वहाँ पे जी, फिर इधर मैं नागपुर डिवीजन में आया मैं। अच्छा, तो सर आप बताएंगे कि आपकी जो वैकेंसीज थी वो कब की थी, 2012-13 कब की थी? मेरा 2013 की वैकेंसी, 12-13 की, जो कि क्लियर हुई। हाँ, 15 में हम लोग का मतलब ज्वाइनिंग हुआ। अच्छा, तो सर ज्वाइनिंग पॉइंट्समैन पोस्ट पर हुआ जी जी। पॉइंट्समैन पोस्ट सर, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अभी के डेट में लगभग SSCR में 600 पद की अभी वैकेंसीज है ना, तो पॉइंट्समैन कैसे मिलता है ये पद? मार्क्स ज़्यादा लाने से, प्रेफरेंस टॉप पे रखने से कैसे मिलती है? जी, ये अपना जो ग्रुप डी का RRCC का वैकेंसी निकलता है उसमें जी, तो उसमें वो डिवाइड किया रहता है कि मतलब कितना पोस्ट के क्या चीज़ के लिए रहेगा, वो एक्चुअल में वो एग्ज़ाम लेता है, और जो टॉपर लोग रहता है एक प्रीफ्रेंस मांगा जाता है जी जी। तो जो प्रीफ्रेंस, जो जिसका हायर रैंक रहता है उसको वो पोस्ट दे दिया जाता है प्रीफ्रेंस के हिसाब से, प्रीफ्रेंस के हिसाब से मिलती है जी। ठीक है, तो सर मैं अब ये पूछूंगा कि आपका ग्रुप डी की तैयारी कैसे किए थे अपने समय पर? बुक्स के बारे में बताएंगे, सभी सब्जेक्ट का क्या बुक्स पढ़ते थे, ग्रुप स्टडी करते थे, कोचिंग करते थे, कैसे तैयारी करते थे? एक्चुअल में मैं तो BSc कंप्यूटर साइंस किया था, 2007 से पास आउट हूँ। अच्छा, और उसके बाद MCA किया था, कुछ कारण से ड्रॉप हो गया वो। अच्छा, फिर कुछ साल मैं टीचिंग किया जी, फिर उसके बाद फिर बैंकिंग की तैयारी किया। अच्छा, फिर कुछ एग्ज़ाम IBPS की एग्ज़ाम क्लियर हुए मेरे। अच्छा, और फिर मैं सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी निकला था 2011 में हमारा। अच्छा, तो उसके लिए मैं तैयारी करने के लिए बिलासपुर गया, वहाँ पर मेरा प्री मेंस इंटरव्यू तक, वहाँ तक मैं CG जो सब इंस्पेक्टर का। अच्छा, उसका इंटरव्यू तक गया मैं। वाह। और छात्रावास अधीक्षक जो होता है उसमें भी मेरा लगभग 2-3 मार्क्स छूट से मतलब मैं बच गया मैं जी जी। तो ऐसा था कि एक पर्टिकुलर में रेलवे में ही जाना है ऐसा कुछ नहीं था जी, क्योंकि मैं जो है लास्ट में मतलब 27 साल का हो गया तब मैं मतलब कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम करने के लिए मैं तैयारी करने के लिए आया। अच्छा, तो मेरा एक्चुअल में बैंकिंग का भी थोड़ा बहुत तैयारी था, और CGPSC व्यापम ये सब तैयारी था, UPSC SSC देते रहता था। तो मेन तो रीज़न था कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करे और कोई एक एग्ज़ाम पहले फाइट करे और जॉब लग जाए। बिल्कुल। तो ऐसा था कि सारे फील्ड का नॉलेज था, बैंकिंग का भी, मैथ्स वगैरह, और CGPSC का और व्यापम का। तो जब ग्रुप डी का निकला था तो मैं नॉलेज लेने के लिए मतलब कितना मैं कह रहे पा जी, सारे एग्ज़ाम देता था मैं। अच्छा, तो उसका बेनिफिट ये मिला कि मेरा ये एग्ज़ाम काफ़ी इजीली निकल गया मेरा। सर, इसमें आप फिज़िकल की तैयारी कैसे किए थे? अभी के डेट में लोगों का 10 तारीख से किसी जोन में स्टार्ट हो रहा है, किसी जोन में 15 तारीख से फिज़िकल स्टार्ट हो रहा है, तो आप फिज़िकल के लिए कैसे तैयारी किए थे? कुछ टिप्स दीजिए, क्या किसी ट्रेनर की ज़रूरत पड़ी थी, क्या था? एक्चुअल में मैं जब फिज़िकल हम लोग का सब इंस्पेक्टर का हुआ था जी, उसमें हमारा फिज़िकल हुआ था जी, तो वहाँ से मुझसे काफ़ी नॉलेज मिला था, दोस्तों से वहाँ टिप्स मिला हुआ था कि कैसा रनिंग करना है जी जी। और उसका पूरा फ़ायदा मुझे अभी जो अपना जो ग्रुप डी का था रनिंग में, उसमें बेनिफिट मेरे को मिला उसका। अच्छा। ग्राउंड था, ग्राउंड में जाना तो रोज़ प्रैक्टिस करते थे, उस ग्राउंड का सबसे पहले ये हम ये देखते थे कि कितना वो उसका मीटर कितना मीटर का है जी, हमको कितने राउंड लगाना है उसमें जी, और एक वॉच रखते थे, घड़ी देखते थे, रोज हम देखते थे कि हम उसमें मेजरमेंट करते थे कि कितने मिनट में हम उसको क्लियर कर पा रहे हैं तो ये है पहले का सब इंस्पेक्टर का था जो बेनिफिट मिला, प्लस इसमें भी मेहनत किए और ये मेजरमेंट करते थे, और बॉडी को कैसे रिलैक्स देना है, मसाज कैसे करना है पैर को, घुटनों को जी जी, और क्या डाइट रखना है, ये सब उसका हम लोग नॉलेज रखते थे जी जी, एक्सपर्ट्स लोग से, दोस्त लोग से, फ्रेंड लोग से। तो सर, आपका फिजिकल कहाँ हुआ, और 1 किलोमीटर रनिंग था कि 1.5 किलोमीटर रनिंग? 1 किलोमीटर हम लोग का था,
तो 4 मिनट 15 सेकंड का रहा था। जी जी हाँ। तो कहाँ हुआ था सर रनिंग आपका? हम लोग का रनिंग हुआ था नागपुर में हुआ था। अच्छा, मोतीबाग में। जी मोतीबाग ग्राउंड में। जी अब इसमें फिजिकल होने के बाद अब बात करते हैं हम लोग मेडिकल पर कि फिजिकल के बाद कुछ दिनों में आपका मेडिकल एग्जाम हुआ होगा, कहाँ हुआ था पूरा जानकारी देंगे। हमारा क्या चेक हुआ था? जी हमारे जो नागपुर रायपुर डिवीजन में था जो चूंकि मैं जी, तो जो भिलाई चरोदा है वहाँ पे मेरा मेडिकल हुआ था A2 के लिए हुआ था। अच्छा। A2 में ये होता है कि आपका ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, BP चेक होता है उसमें, और मेन फोकस वो आई पे करते हैं A2 के लिए जी। तो उसमें था कि आपका कलर ब्लाइंडनेस का, आपका सी मार्क्स जो देखना है उसका जी, और अल्फाबेट्स पढ़ने का, उसका हमारा जो उसमें चेक हुआ था जी। सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी आप लोगों को कि सी का चेक होता है दोस्तों, सी रहता है इस तरीके से, वो मेन विज़न टेस्ट है दोस्तों। अगर आप लोग पॉइंट्समैन का अगर निकालना चाहते हैं तो मेन है विज़न टेस्ट, ठीक है। सी मार्क रहता है जिसको इस तरीके से दिखाते हैं, कभी ऐसा दिखाते हैं, कभी इस तरीके से दिखाते हैं। 6x9 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगता है दोस्तों पॉइंट्समैन के लिए, मतलब जो चीज़ आप लोग को 9 मीटर से दिखना चाहिए वो एटलीस्ट आपको 6 मीटर से अगर आप रीड कर ले रहे हैं तब आप 6x9 मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट होते हैं, तो तभी आप लोग पॉइंट्समैन के पद आप लोग को हासिल मिलेगा। तो सर से आप मेडिकल के बारे में जानकारी लेने के बाद दोस्तों सर से LDC के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज लेंगे कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में LDC क्या होता है और हर डिपार्टमेंट का होता है, पॉइंट्समैन के लिए कैसे बेनिफिट मिलता है आगे बढ़ने के लिए, सब बताएंगे इस पोस्ट के बारे में। ये हम लोग का LDC, हम लोग जब रेलवे में आ जाते हैं तो हमको दो तरीके के एग्ज़ाम देने को मिलता है जी। एक होता है अपना GDC होता है और एक होता है LDC होता जी, है जी। तो GDC के लिए अपना उसमें रहता है जनरल कैटेगरी के लिए 40 साल का एज रहता है, 40 साल तक के जब तक आप जो है ग्रेजुएट है तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए मिलता है बिल्कुल। और LDC का रहता है उसमें भी आपका ग्रेजुएशन लेवल पर निकलता है जी, गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर का, स्टेशन मास्टर का, और उसमें भी एज लिमिट रहती है जी जी 40 इयर्स तक। उसके बाद फिर एक DPQ रहता है हम लोग का जी, DPQ में एज लिमिट नहीं रहती है जी, और उसमें जो है सीनियरिटी बेस पे उसको लिया जाता है बिल्कुल। तो सर आप इसमें बताना चाहेंगे कि LDC और GDC का सिलेबस थोड़ा कुछ बता देंगे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का कि क्या क्या होता है सिलेबस, LDC का बता दीजिए जी। LDC का रहता है हमारा डिपार्टमेंटल रहता है पूरा जी, उसमें अपना ऑपरेटिंग के क्वेश्चंस रहते हैं जी, उसमें अपना कमर्शियल के भी क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा। और GK जनरल करंट अफेयर्स भी रहता है उसमें जी, और हमारा जो 10 नंबर का उसमें राजभाषा का क्वेश्चन रहता है। अच्छा जी। तो सर ये इसमें आप बताना चाहेंगे कि एक कैंडिडेट LDC कब दिला सकता है, GDC के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं, कितने साल में दिला सकता है, मतलब जैसे ज्वाइनिंग किए तो कितने साल बाद एलिजिबल हो जाते हैं LDC और GDC के लिए। GDC का तो जो है जैसे NTPC ओपन का रहता है सेम वैसे ही सिलेबस रहता है उसका जी, लगभग लगभग जी जी। और जो LDC हमारा जो डिपार्टमेंट रहता है जी, उसमें सिलेबस हमारे डिपार्टमेंटल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। अच्छा अच्छा। और उसमें आप जब गुड्स गार्ड अगर ट्रेन मैनेजर के लिए आप एलिजिबल होना है तो आपको आपके 3 साल की सर्विस उसमें रहता है। अच्छा। और ग्रेजुएशन का रहता है जी। और अगर आपको स्टेशन मास्टर के लिए आपको अगर एग्जाम देना है तो उसमें 5 साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए और ग्रेजुएशन रहना चाहिए। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इंफॉर्मेशन शेयर किए दोस्तों कि स्टेशन मास्टर अगर आप लोग को LDC के थ्रू बनना है तो आपको मिनिमम क्राइटेरिया ये होता है कि आपका 5 साल सर्विस देखा जाता है स्टार्टिंग का, ठीक है। और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सर आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम में बैठने को कितने मौके मिले। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए तो इस डिवीज़न में मुझे पहला ही मौका था LDC का। अच्छा। और GDC का दिलाया था मैंने पहले, LDC के लिए पहला ही मौका मिला था। अच्छा। और रायपुर डिवीज़न में था तो वहाँ काफ़ी मतलब मौके मिले, चूंकि मैं यहाँ ट्रांसफ़र लेके ला गया। अच्छा। तो उतना यहाँ मुझे मौका नहीं मिला। अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ पे भी पहला मौका मिला और उसमें मैंने सक्सेस हासिल किया। बहुत अच्छी बात है सर। और इसमें बताना चाहेंगे सर कि ग्रुप डी अभी एस्पिरेंट्स लोग काफ़ी तैयारी करते हैं, सब पूछते हैं सर कि पॉइंट्समैन का जॉब प्रोफाइल क्या है, कितने आवर्स की ड्यूटी होती है ना, ये सब जब चीज़ बताना चाहेंगे, वर्कलोड कितना है। ग्रुप डी जो पॉइंट्समैन है उसमें जो है 8 घंटे की हमारे यहाँ ड्यूटी है जी, बड़े जी। स्टेशनों में जैसे राजनांदगांव, डोंगरगढ़, बड़े गोंदिया स्टेशन में जी जी। कुछ स्टेशनों में रोस्टर 12 घंटे का है जी, बट अभी जो है थोड़ा सा मतलब 8-8 घंटे का चला रहा है, वो ऑफिशियली चल रहा है मतलब जी जी जी। अच्छा। तो सर इसमें काम क्या रहता है, जैसे कई जगह
गेट पे काम रहता है, कई जगह गेट पे काम रहता है, कभी स्टेशन के पास काम रहता है, बताएंगे इसमें सिग्नल एक्सचेंज वगैरह करते हैं आप लोग? हम जो पॉइंट्समैन है उनके बहुत सारे काम रहते हैं जी। मेनली हमारा जो रहता है संटिंग रहता है जी, गाड़ियों का संटिंग करना, गुड्स लाइन में संटिंग करना जी जी। और हमारे जो है स्टेशन में है तो स्टेशन में सबको सिग्नल एक्सचेंज करना है जी, गाड़ियों को पूरा वॉच करना है कि सारी गाड़ियाँ की कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है जी, कुछ चक्कों में कोई फॉल्ट तो नहीं है। अच्छा। उस गाड़ियों को वॉच करना रहता है, उसको में कुछ कमी लगती है तो तुरंत उसको स्टेशन मास्टर को बताना है, गाड़ियों को जो मेजर प्रॉब्लम है तो रेड सिग्नल दिखाकर गाड़ी को खड़ी करना है वहाँ पे जी जी। और हमारे ऑपरेटिंग गेट है अगर, तो ऑपरेटिंग गेट में भी ड्यूटी रहती है हमारी जी जी, वहाँ पे भी सेम काम है, गेट मतलब ट्रैफिक को क्लियर करना है, गेट को क्लोज बंद करना है, साथ ही साथ गाड़ियों को वॉच करना है, गाड़ियों को सेफली रनिंग कराने में ऑपरेटिंग पॉइंट्समैन का योगदान रहता है जी जी। सर अपना क्या बोलते हैं इस पोस्ट के लिए, जैसे ट्रेन मैनेजर आप बनने जा रहे हैं, तो इससे पहले आप तैयारी के लिए कितने आवर्स निकाल पाते थे, टाइम मैनेजमेंट कैसे किए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है सर कि ड्यूटी के साथ साथ स्टडी हम कैसे करें? ये तो है कि ड्यूटी में है तो आप ज़्यादा समय आप ड्यूटी में नहीं दे पाते हैं जी, तो मेनली अपने को आपको 8 घंटा ड्यूटी करके आपको आपका अपना घर में अपना हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसके लिए निकालना पड़ता था जी। तो चूंकि हमारा 2015 के बैच वालों के लिए पहला वैकेंसी निकला था, अच्छा, तो काफ़ी हमको मालूम था कि पहला वैकेंसी है तो काफ़ी टफ कंपटीशन रहेगा इसमें जी जी। क्योंकि सारे पहली बार जो है सभी को मौका मिल रहा है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिलाने के लिए, तो सभी चाहेंगे कि ये सक्सेस को हासिल करें। तो ये था कि हम लोग काफ़ी कड़ी मेहनत किए समय निकाल कर, और हमारे जो सर है, जो ट्रेनिंग स्कूल के सर हैं, जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन के लिए हमें ट्रेन कर सकते हैं, तो हम अपनी नाइट ड्यूटी करके भी डोंगरगढ़ जाते थे, वहाँ सर से हम संकल राय सर से काफ़ी हेल्प किए हमारा सर ने जी जी। तो उनसे हमने उनका हेल्प लिए सर ने, और काफ़ी अच्छे से उनने हमें गाइड किया, उन्होंने नाइट ड्यूटी करके यहाँ से हम राजनांदगांव से डोंगरगढ़ जाते थे जी। और घर में भी अपना क्या बोलते सेल्फ स्टडी करते थे, दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कशन करते थे। तो सर 2-3 घंटा एटलीस्ट निकाल लेते थे आप दिन भर में? जी जी, आराम से 2-3 घंटा आराम से देना पड़ता था जी। तो सर आप इसमें ये बताना चाहेंगे कि आपका जो पॉइंट्समैन है और गुड्स गार्ड है, इन दोनों की ट्रेनिंग कितने कितने दिनों की होती है? जो फर्स्ट जब हम लोग ट्रेनिंग किए थे, आप फ्रेश अगर आ रहे हैं आरआरसी से, तो आपकी 45 दिन की पॉइंट्समैन की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। उसके बाद जो है हर 3 साल में एक रिफ्रेशर कोर्स होता है 1 सप्ताह का। अच्छा। और क्या बोलते हैं, अभी जो हम ट्रेन मैनेजर जब बन गए हैं तो उसकी जो है 50 से 60 जो है वर्किंग डेज का जो है, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, 50-52 कुछ ऐसा है जी, जी, वर्किंग डेज का जो है ट्रेनिंग होता है इसका। अच्छा। सर आप लोगों को ऐसा होता है कि हर 3-4 साल में मेडिकल भी होता है, आप लोग का रीमेडिकल होता है जी, उसको शायद पीएमई कुछ बोलते हैं, पीएमई होता है, है ना, तो उसमें आप लोगों को अपना मेडिकल स्टैंडर्ड बनाए रखना पड़ता है, आँखों को लिए कैसे आप लोग मेंटेन रखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जी। है इसका हमारा पीएमई होता है, मेडिकल टेस्ट हर 4 साल में होता है जी, और उसके लिए आपको खान पान सही रखना पड़ता है, और जो है रेगुलर आप योगा करें, आप खान पान सही रखें, एक्सरसाइज करें जी, तो इस तरीके से आप अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं जी। जैसे सर आंखों के लिए विटामिन ए का आप जी, लेते होंगे, फ्रूट्स वगैरह खाइए आप जी जी। तो सर ने काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिया है दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो सर मिस्टर गजेंद्र सर ने काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिया, धन्यवाद सर आपके इंटरव्यू के लिए और हमारे चैनल में आने के लिए। मैं और भी इंटरव्यूज़ लाऊँगा दोस्तों, काफ़ी पॉइंट्समैन का भी यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, गुड्स गार्ड से सॉरी पॉइंट्समैन से ट्रेन मैनेजर बने हैं। नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए आप लोग क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये वीडियो कैसे लगा, सर का इंटरव्यू कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आज के वीडियो में इतने ही दोस्तों, ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।